जाधव नामक युवक ने लोगों को संदेश देने के लिए पर्यावरण को अहमियत देते हुए अपने घर में मिट्टी की गणपति बनाई है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया जिससे पर्यावरण को बचाया जाए, ऐसा एक संदेश भी जाए लोगों में। उन्होंने अपने घर की मिट्टी इस्तेमाल कर गणपति बप्पा की मूर्ति तैयार की और साथ ही होने वाली आरती का बर्तन तथा पूजा सामग्री भी मिट्टी से तैयार की गई। आप देख सकते हैं कि पर्यावरण का संदेश देने के लिए हर प्रकार के पौधों का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी विशेष बात यह है कि गणपति बप्पा के सूंड से निकलता हुआ पानी भी पेड़ को मिल रहा है। इस समय प्रतीक जाधव ने बताया कि लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोग पर्यावरण का ख्याल रखें और इसी उद्देश्य से मैंने यह गणेश मूर्ति और पूजा सामग्री पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई है। और हम सभी को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और इस पहल के जरिए मैंने पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ का संदेश दिया है। ऐक्चुअली आम्ही दरवर्षी इको फ्रेंडली गणपती घरगुती साजरा करतो, पण कोरोनाचं संकट जेव्हापासून आले तेव्हापासून आम्ही घरच्या घरीच आमचं गणपतीचं डेकोरेशन कसं याच्यावरती ध्यान केलेलं आहे। मागच्या वर्षी देखील आम्ही मातीची मूर्ती घरीच बनवली होती, यंदा देखील आम्ही मातीची मूर्ती घरीच बनवलेली आहे। आणि त्याचसोबत मातीची मूर्ती बनवल्यासोबत आमची पणती देखील मातीची आहे। गणपतीला जो नैवेद्य दाखवतो ते ताट वाटी तसेच जे डेकोरेशनमधले जे काही एलिमेंट्स आहेत की घंटी म्हणा किंवा आपण जे प्रसाद लोकांना प्रसाद देण्यासाठी जे वाटी वापरतो ती वाटी म्हणा किंवा या डेकोरेशनमध्ये जे पक्षी दाखवले ते पक्षी म्हणा ते सर्व मातीचे आहेत। म्हणजे 100% इको फ्रेंडली गणपतीचं डेकोरेशन आम्ही केलेलं आहे। आणि यातून आम्ही असा संदेश दिला आहे की वृक्ष लागवडीशिवाय आपल्याला काही पर्याय नाही, आणि जर आपण वृक्ष लावू तेवढं जंगल वाढेल आणि निसर्ग वाढेल, आणि आपल्याला या डेकोरेशनच्या माध्यमातून आम्ही वृक्षवल्ली आम्हा सूर्य असा संदेश दिलेला आहे। देखिए हमारी आज की खबर इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एच न्यूज़।